हिमालय और हिंद महासागर के बीच में जो 54 देश बनते हैं, जिसमें से अधिकांश देश एशिया के हैं, कुछ अफ्रीकन जोन के भी देश बनते हैं, ये सब कल्चरली, सोशली, व्यापार उद्योग से, कला से, ये लगभग समान अवधारणाओं के देश रहे हैं। और इसलिए इन सब देशों में आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, बल्कि ये सब मिलजुल कर रहें और आपस में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी ना डेवलप हों, इस बात का 2 दिवसीय सेमिनार है। तो उसके उद्घाटन के लिए आया, समापन पर भी कुछ बात कहूँगा। इन सब की टेरिटरी के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए चीन एक साझा खतरा है, जो हिंद महासागर का ट्रेड रूट है, दुनिया का सबसे बड़ा, उस पर चीन कब्जा करना चाहता है, और इसलिए मलय सागर को वो दक्षिणी चीनी सागर कह रहा है। हिमालय जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जल का, वायु का, वनस्पति का, खनिज का और अध्यात्म का रिजर्वायर है, मॉल है, आज उस पर उसका कब्जा हो गया है, इसलिए इट इज़ एन कॉमन थ्रेट। अभी उसने COVID-19 बायो वेपन बनाकर पूरी मानव जाति पर भी हमला किया, करोड़ों संक्रमित हो गए, लाखों लाख से करोड़ मौत के मुंह में भी चले गए। तो ये सब देश मिलकर उन जीवन मूल्यों को का संरक्षण करें, आचरण करें, जो कॉमन खतरा है उसको भी ठीक से मीट आउट कर सकें और विश्व को भी ठीक रास्ता दिखा सकें। इसलिए इस हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह HHRS हर्ष इस नाम से इसकी रचना 2 साल पहले आगरा में हुई थी, और अभी भी उसका द्वितीय सम्मेलन आगरा में ही संपन्न हो रहा है। सम्मेलन में पिछली बार लगभग 39-40 देशों का प्रतिनिधित्व था, पर कोविड के कारण अभी भी लगभग इतने ही देशों का प्रतिनिधित्व वेबिनार के रूप में हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत विदाउट कन्फ्लिक्ट्स और एशिया विदाउट कन्फ्लिक्ट्स देन फुल ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, ऐसा विश्व बनाया जा सकेगा। क्योंकि अभी COVID-19 से एक बात तय हो गई, चीन दुनिया का दानवी देश है, मानव जाति का दुश्मन है, भारत दुनिया का मानवीय देश है और मानवता का और मानवीय जीवन मूल्यों का पोषक है, सहारा है। पश्चिम, लेफ्ट और वेस्ट, ये अधिकतर देश भोगवादी हैं जो COVID-19 को सह नहीं सके। तो इस प्रकार से जो भारत का आज एक जीवन मूल्य प्रतिष्ठित हुआ है, यह किसी राजनीतिक दलदल की बलि ना चढ़ जाए, इसलिए इस बात की सावधानी रखते हुए आगरा को ये सौभाग्य फैंस ने दिया है। यह एक नया समूह 54 देशों का, जो राजसु यज्ञ महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने किया था, जो ये स्वतंत्र देश हैं भूगोल की दृष्टि से और राजनीति की दृष्टि से, पर कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, फॉर बाय ट्रेड और बाय लैंग्वेज एक हैं। तो यह सब मिलकर चलें तो अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर करें, एक दूसरे के लिए समस्या ना बने, राजनीतिक भौगोलिक वर्चस्व का कहीं पर भी जन्म ना हो, इसके लिए यह एक नया प्रयोग आगरा से पूरे भारत में और 54 देशों से होकर विश्व में, और इसका प्रकाश फैले, इसका कार्यक्रम के लिए मैं आया। सर, 54 देशों की बात